तो आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम एडवांस एक्सेल में बात करने जा रहे हैं रेटिंग ऑप्शंस के बारे में। हमने रेटिंग तक पहुंच गए हैं, यहाँ हम बात करने वाले हैं डेटा फिल के बारे में। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो सम के बारे में। छोटी तो छोटी चीज़ें हर एक कभी जरूरत पड़ जाती है, इसलिए एक बार देख लीजिए। जैसे हमने कुछ नंबर्स दे दिए, मुझे इसका सम करना है, तो आप यहाँ इक्वल सम और फिर इसको सिलेक्ट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट ऑल्ट और इक्वल प्रेस कर सकते हैं। ऑल्ट इक्वल क्या होता है? ये ऑटो सम का पार्ट होता है, ये ऑटोमेटिकली आपको सम यहाँ पे लगा देता है। जी हाँ, ऑटोमेटिकली सम आपको यहाँ लगा के दे देता है। क्लियर है? और सिर्फ सम ही नहीं, आप इसको ड्रॉप डाउन कीजिएगा तो एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम ये चीजें भी लगा सकते हैं। बट इसका शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ ऑटो सम का ही शॉर्टकट है। क्लियर सर? यस सर। कौन जी, आपने दोबारा ज्वाइन किया है? कोई बात नहीं सर। इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन यहां पे है वो है डेटा फिल। अब जैसे कि मान लीजिए कि हमने कोई फॉर्मूला लगाया या कुछ ऐसा डेटा है, उसको हम कॉपी पेस्ट करना है, जनरली आप क्या करते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल डी करते हैं ना, सॉरी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी में कॉपी एंड पेस्ट। जैसे मान लीजिए हमने इसको लिया हुआ है, तो यहां हम यहां से नीचे की तरफ, यहां से राइट की तरफ पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डी करेंगे तो डाउन में आ जाएगा, कंट्रोल आर करेंगे तो राइट में चला जाएगा। जी हाँ, कंट्रोल डी करने पे डाउन और कंट्रोल आर करने पे राइट हो जाएगा। कंट्रोल डी करने से डाउन और कंट्रोल आर करने से राइट में चला जाता है। समझ गया? तो कंट्रोल डी या कंट्रोल आर क्या है? ये रहा आपका कंट्रोल डी से डाउन एंड कंट्रोल आर से राइट। अप और लेफ्ट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बट यहां पे क्लिक करके ऑप्शन यूज किया जा सकता है। उसके बाद आता है क्रॉस वर्कशीट। क्रॉस वर्कशीट के बारे में जानना है तो पहले एक न्यू वर्कशीट मुझे लेना होगा। अब न्यू वर्कशीट के अंदर में हम बात करते हैं क्रॉस वर्कशीट की। हमारे शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, ऐसे तीन चार शीट्स है। अब मुझे हर शीट के ऊपर डेट डालना है या कुछ ऐसा डेटा देना है, तो जनरली हम कॉपी कर पेस्ट करते हैं। हमने इसको कॉपी किया, वन बाय वन जाके आपको पेस्ट करना पड़ेगा। तो वन बाय वन आप मत जाइए, पहले शीट पे क्लिक कीजिए, शिफ्ट के साथ आखिरी शीट पे क्लिक कीजिए। जी हाँ, पहले शीट पे क्लिक हुआ और शिफ्ट के साथ हमारा आखिरी शीट पे क्लिक हुआ, फिर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो देखेंगे कि हर शीट पे हमारा पेस्ट हो गया है। जी हाँ, हर शीट, जितने भी शीट्स है, सारे शीट्स में हमारा पेस्ट हुआ। तो यही नहीं, आप पेस्ट अगर टाइप ही करना है आपको, तो शिफ्ट के साथ लास्ट में शीट पर सिलेक्ट करेंगे तो पूरा शीट सिलेक्ट हो जाएगा, और ऊपर आप देखेंगे तो यहां ग्रुप लिखा हुआ आएगा आपके नेम के बगल में। अब मैं कुछ भी करूंगा, हर एक शीट पे होगा, टाइम लिखा और टाइम डाला, तो ये आप देखेंगे कि सीट टू, सीट थ्री, सीट फोर एंड सीट फाइव पे भी हुआ है। यही काम हमारा क्रॉस वर्कशीट भी करता है। देखिए, क्रॉस वर्कशीट में जैसे कि हमने मान लीजिए कि यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, तो क्रॉस वर्कशीट जो हम करेंगे, तो क्रॉस वर्कशीट देखिए, पहले तो हाईलाइट नहीं था, हाईलाइट तभी होगा जब आप मोर देन वन सीट को सिलेक्ट करेंगे। और जैसे क्रॉस वर्कशीट करेंगे, आपसे पूछेगा ऑल, मैंने पूरा कॉपी एंड पेस्ट करना है, या कंटेंट कि सिर्फ कंटेंट को करना है, या फॉर्मेट कि सिर्फ फॉर्मेट को करना है। मैं क्लास में बैठा हूँ, क्लास पर फ्री और कॉम्प्यूटर। सॉरी सर। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि
यहां पे ऐसे मैंने कंटेन कर दिया तो कंटेन होगा, फॉर्मेट कर दिया तो फॉर्मेट होगा। अब बात आती है क्या मुझे हर सीट पे नहीं, मुझे मान लो कोई सीट स्किप करना है तो कंट्रोल प्रेस करके उस सीट को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात आती है सीरीज की। अब सीरीज को यहां पर देखिए, जैसे हमने यहां पे वन लिख दिया और यहां पे हम टू लिखेंगे, फिर ऊपर से नीचे की तरफ वो ड्रैग होगा, ड्रैग करेंगे तो सिक्योर रहेगा। आप इसको ड्रैग ना करना हो माउस से तो क्या करें, हम सेलेक्ट कर लेते हैं फिल सीरीज। अब सीरीज में यहाँ लीनियर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा, स्टेप वैल्यू भी बाय डिफॉल्ट वन होगा और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू, देखिए आपकी सीरियल नंबर कहाँ तक चाहते हैं, तो हम 20 कर देते हैं यहाँ पे, क्या 15 कर देते, मान लीजिए 15 तक चाहिए तो यहाँ पे ओके करते हैं, आपका 15 तक आए। तो ड्रैग करते समय मुझे हमें एग्जैक्ट सीरियल चाहिए होता है तो वहां पे दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट सीरियल की मुझे इतने तक का सीरियल चाहिए तो सीरीज से ले सकते हैं। सीरीज में यहाँ पे और भी है, जैसे मैंने यहाँ पे टू कर दिया और यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉप वैल्यू नहीं दिया, जितना सिलेक्शन है पूरे में सिक्वेंस दो दो का गैप पे होगा, जैसे 1 3 5 7 इस तरह के गैप में। उसके बाद इसी में अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में अगर हमने यहाँ पे ग्रोथ कर दिया, यहाँ पे टू कर दिया, तो अब क्या होगा, टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जी हाँ, हर नंबर को टू से मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन इसका यूज हम लोग डेट वगैरह में करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डेट डाल, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे आज का ही डेट डाल दिया और मुझे सेम महीने की 18 तारीख चाहिए हमेशा, सेम महीने की 18 तारीख चाहिए हमेशा, तो सीरीज में हमने यहाँ पे डे कर दिया, मंथ कर दिया, यहाँ देखिए मंथ आ गया। मुझे यहाँ पे डेट चाहिए, उसमें सैटरडे संडे नहीं होना चाहिए, तो सीरीज यहाँ जस्टिफाई नहीं हुआ, सीरीज होगा सीरीज। यहां पे आप वीकेंड्स वीकडे सेलेक्ट कर दीजिए तो वीकेंड वाइज हो जाएगा, तो इसका यूज कर सकते हैं कि इसमें सैटरडे संडे का डेट अब नहीं आएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें डेट के बाद अब अगला ऑप्शन आता है जस्टिफाई का। देखिए जस्टिफाई करता है क्या है, जस्टिफाई का काम यह है कि जैसे हमने नेम दिया होगा नीचे, मुझे इसको एक सेल में ही चाहिए, हालांकि 2019 में इसके लिए फॉर्मूला आ गया, 2013 तक बहुत अच्छा था ये हमें इस चीज के लिए कि अगर एक पूरी रेंज को अगर हमें करना था तो पूरी रेंज को करने के लिए बहुत ही अच्छा चीज था सर।
तो यहाँ पे हम क्या करते थे, कॉन्टिनेंट लगाने का अच्छा से हम मैं कॉलम को ब्राक कर देते थे और फिर इस कॉलम को सिलेक्ट करते थे और यहाँ पे हम जस्टिफाई पे क्लिक करते थे, एक से मिल जाता था स्पेस सेपरेटर देके। वापस इसको हटाना है तो जस्टिफाई का मतलब ये नहीं कि एक सेल में करना, जस्टिफाई का मतलब है कि कॉलम की साइज जितनी बड़ी है उतना ही इसमें फिल कर देना, अगर छोटा है तो उसके नीचे डाल देना। तो इसको सेग्रीगेट भी कर सकते हैं, मतलब कि इसको रो वाइज तोड़ भी सकते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए और इसको आप जस्टिफाई करके नीचे तोड़िए एंड ओके, तो टूट जाएगा। हालांकि 2019 में इसके लिए फॉर्मूला आ गया टेक्स्ट ज्वाइन, जी हाँ टेक्स्ट ज्वाइन। अब यहाँ पे सेपरेटर जिसमें मुझे कॉमा चाहिए और हमने ब्लैंक को इग्नोर कर दिया और फिर हमने अपने रेंज को सिलेक्ट कर लिया, फिर देखिए हमारे पास जस्टिफाई आ गया। ठीक है सर, तो टेक्स्ट ज्वाइन इस चीज के लिए यूज किया जाता है। अब अगला ऑप्शन आता है, वो आता है आपका फ्लैश फिल। फ्लैश फिल की बात करें तो फ्लैश फिल का यूज जो होता है वो बहुत अच्छी चीज है, एक बार देख लीजिए। जैसे मैं इसके लिए कुछ नाम मैं यहां पे एंटर करता हूं, पूजा सिंह, नीरज शर्मा, राय सिंह, ऐसे कुछ नाम वो भी हो सकते हैं। मुझे इसमें से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग करना है। अब इसके लिए लेफ्ट राइट मिड का फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेफ्ट राइट मिड फॉर्मूला क्या कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे इसके लिए, अब इसके लिए हम यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिखेंगे उसका फर्स्ट नेम की पूजा और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए, फिर वापस कर्सर इस पे रखिए और फ्लैश फिल जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई, पूरे जो भी नाम है पूरा निकाल देगा। अब एक चीज और कॉमन है, एक चीज देखिएगा कि मैं अभी पूजा को कैप्स में ऊपर, पी को कैप्स में लिख दिया, राइट। अब फ्लैश फिल करेंगे तो हर पूजा का कैप्स ही होगा, पूजा नहीं सर, हर नेम का फर्स्ट लेटर कैप्स होगा। यहां तक कि मुझे अगर इसके जितने भी नाम है कैपिटल लेटर में चाहिए, अब मैं यहां पे फ्लैश फिल करूंगा तो सारे नाम कैपिटल लेटर में आएंगे। फेल हो गया सर, इसमें नहीं, इसको रीड नहीं किया आई थिंक। तो अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और पूजा इस तरह से लिखता हूँ तो ये रीड कर लेता है फ्लैश फिल, ठीक है। लास्ट नेम के लिए मैं यहाँ पे सिंह करता हूँ और यहाँ से फ्लैश फिल तो सिंह आ जाएगा। यही नहीं, अगर हमने कुछ डेट दिया हुआ है और मुझे इसमें से सिर्फ मंथ को अलग करना है, जी हाँ इसमें से मंथ को अलग करना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए यहां पे बस एक मंथ को लिख देंगे और यहां से हम फ्लैश फिल करेंगे, सारा अपने आप अलग हो जाएगा। ओके फ्लैश फिल अपने आप अलग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें, अब इसमें एक चीज और है, जैसे कि हमने कुछ नंबर लिखा हुआ है, कुछ जैसे हमारी मीटिंग आईडी है मान लीजिए, जिसमें से लास्ट का नंबर अलग करना है, तो 963 लिखा हमने, एंटर किया और इस पे हमने फ्लैश फिल कर दिया।
प्लस फिल करते ही देखिए सबके नंबर्स अलग हो गए, राइट सर। प्लस फिल करते ही सबके नंबर अलग हो गए। अब यहां पे एक चीज और है कि अगर हम 85.36 करें और इस तरह से कुछ नंबर्स लिख देते हैं जिसमें से डेसिमल प्लेसेस को अलग करना, फ्लैश फिल सिंपल है कि जिसको अलग करना है उसको आप टाइप करें और जस्ट फ्लैश फिल एंटर करें। फ्लैश फिल समझ आया सबको या कोई डाउट है किसी को? सर इसमें एड्रेस फाइल के बगल में ही करना होता है, मान लीजिए मेरे जी में डेट डाला हुआ है। नहीं बगल में, अभी पहले इधर या इधर? ओके ठीक है जी। तो फ्लैश फिल समझ में आ गया। आपको करना क्या है कि फ्लैश फिल से रिलेटेड मुझे 20 एग्जांपल देने हैं जो मैंने यूज ना किया हो, राइट। अब फ्लैश फिल के बाद आती है क्लियर। जैसे मान लीजिए कि मुझे इसको हटाना है तो जनरली लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, यही करते हैं। लेकिन डिलीट करने से दो प्रॉब्लम है। पहले कि आप देख रहे हैं कि पूरा डेटा उठ के इधर आ गया, पोजीशन पे उड़ा गया। फिर दूसरा, अगर हमने यहाँ पे अगर कोई लिंक कर रखा है किसी सेल को तो आप इस सेल को क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे रेफरेंस आरएफ आ गया। तो इस तरह से अलग भी कर सकते। तो अब कैसे करें, क्योंकि ऐसा करने से तो मैं डेटा गड़बड़ा रहा है। तो हम यहां क्लियर का ऑप्शन लेंगे। क्लियर पूरा ओवरऑल क्लियर कर देगा। उसके बाद यहां पे आता है क्लियर, सॉरी यहां पे था क्लियर फॉर्मेट। उसमें सिर्फ फॉर्मेटिंग, सारी फॉर्मेटिंग हटा दी। क्लियर कंटेन जो डिलीट हम लोग करते हैं वही करता है। और क्लियर के बाद यहाँ पे क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक्स, रिमूव हाइपरलिंक्स, इसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। ओके सर, तो हमने बात की ऑटोसम की जो छोटी मोटी चीज थी, हमने बात की फिल। फिल में हमारा एक रॉस वर्कशीट, रीड, जस्टिफाई और फ्लैश फिल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसका यूज हम आगे चल के बहुत करेंगे अपने रिपोर्ट्स में, अपने काम में। उसके बाद हम बात के लिए क्लियर, और साथ में हमने आपको आज होमवर्क दिया कि आपको फ्लैश फिल का 20 एग्जाम्पल रिसर्च करके भेजने हैं, और एग्जाम्पल ऐसा होना चाहिए जिसको मैंने आपको यूज करके ना दिखाया। फ्लैश फिल बहुत अच्छी चीज है। यहाँ फ्लैश फिल दिख रही है क्योंकि यूजफुल है, इसलिए यहाँ पे रखा गया। अदरवाइज आप देखिए इसका डेटा में भी है, डेटा के अंदर भी फ्लैश फिल है यहाँ, राइट। होम मेनू बार में वही ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल है, ठीक है सर। अब किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर।